एक भोले भक्त की कहानी जिसका नाम भी भोला राम। भोला राम के घर वाले उससे बहुत दुखी रहते थे क्योंकि भोला राम कुछ काम धाम तो करता नहीं था, कमाता धमाता तो कुछ था नहीं, बस गाना और खाना, इसी में उसका सारा दिन कट जाता था। अब भला घर वाले भी उसे कहाँ तक खिलाते, वैसे भी काम में मन लगा रहे तो खाना पीना भी नहीं सूझता, वरना तो भूख भी दोगुनी लगती है। थक हार कर घर वालों ने उसे सुधारने की नीयत से धमकी दे डाली, कमाओगे तो खाने को मिलेगा वरना घर से निकल जाओ। जोश जोश में भोला राम भी घर से निकल पड़े। अब निकल तो पड़े लेकिन जाएं कहाँ, बाहर कौन सा मौसी का घर था जो रोटी बनाकर खिलाती। सारा दिन घूमते घूमते थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी दूर पर देखा तो एक महात्मा जी अपने चेलों के साथ चौकी लगाए बैठे थे। थोड़ी देर भोला राम उन्हें देखता रहा। देखे तो क्या, लोग महात्मा जी के दर्शन करने आते, कोई फल चढ़ा के जावे, कोई मिठाई, कोई हलवा पूरी का प्रसाद लावे, तो कोई दूध जलेबी का। भोला राम तो उछल पड़ा। ओ तेरी, महात्मा जी की तो मजे हैं, करना वरना कुछ पड़ता नहीं और खाने को बढ़िया पकवान मिलते हैं। मैं भी एक काम करता हूँ, महात्मा ही बन जाता हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं। कोई मंत्र नहीं आता, कोई विद्या नहीं आती, कोई पाठ करना नहीं आता, भजन कीर्तन भी नहीं आता, महात्मा बनकर करूँगा क्या, मेरे दर्शन को कौन आएगा। नहीं नहीं नहीं, महात्मा तो नहीं बन सकता मैं। उदास हो गया। फिर एकदम से चेहरा चमका भोला राम का। तो क्या हुआ, महात्मा नहीं बन सकता, उनका चेला तो बन ही सकता हूँ। सारे पकवान महात्मा जी अकेले थोड़े ही खाते होंगे, चेलों को भी दे देते होंगे। बस फिर क्या था, दौड़ते हुए पहुँच गए भोला राम महात्मा जी के पास। पैरों में गिरकर बोले, महात्मा जी मुझे भी चेला बना लो। महाराज, जब तक चेला नहीं रखोगे पैर नहीं छोड़ूंगा। महात्मा जी बोले, ठीक है रह जाओ। भोला राम बोले, महाराज एक बात मैं पहले ही बता दूं, मुझे काम धाम कुछ आता नहीं है। महात्मा जी बोले, कोई बात नहीं, हमें तो भगवान के भजन कीर्तन ही करने हैं। भोला राम बोले, वो भी नहीं आते। महात्मा जी बोले, ठीक है कोई बात नहीं, तुम सिर्फ घंटा बजा लिया करना और आते जाते भक्तों को राम राम कहा करना, इतना तो कर ही लोगे। महात्मा जी ने सोचा, बोला है बेचारा, धीरे धीरे सीख जाएगा। भोला राम ने कहा, हाँ हाँ ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन महाराज जी एक बात बताओ, खाने को तो मिलेगा। महात्मा जी बोले, हाँ बिल्कुल मिलेगा, दोनों समय मिलेगा। बस दो समय, भोला राम बीच में ही बात को काटते हुए बोला। महाराज जी बोले, भोला राम मंदिर में हर समय भंडारा चलता है, तुम्हें जितनी बार भूख लगे उतनी बार खा लेना। बस फिर क्या था, भोला राम की तो चांदी हो गई, महात्मा जी के साथ हो लिया, भजन कीर्तन आरती में घंटा बजाए और पेट भर कर खाना खाए, एक से एक पकवान मिले, 56 भोग के प्रसाद मिले, भोला राम की तो हर दिन त्योहार के बराबर हो गया। इसी तरह से मजे में 8 दिन कट गए। 9वें दिन भोला राम सुबह में स्नान आदि करके सब काम से निमट के मंदिर आया तो देखे आज तो भंडारा चला ही नहीं, कुछ खाना ही नहीं बना, सारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं। भागा भागा महात्मा जी के पास गया, बोला, महाराज आज क्या हो गया, खाना क्यों नहीं बना। महाराज जी बोले, महात्मा जी बोले, बोला राम तुम्हें नहीं पता, आज एकादशी है, आज सबका उपवास है, आज खाना नहीं बनेगा। बोला राम बोला, ऐसे कैसे नहीं बनेगा, आपने कहा था कि रोज खाने को मिलेगा। महात्मा जी बोले, हाँ बोला राम तो गलत क्या कहा था, जब खाना बनता है तो तुम्हें मिलता है ना, लेकिन आज एकादशी है तो खाना नहीं बनेगा। बोला राम तो अब गिड़गिड़ाने लगा, बोला, नहीं महाराज तुम्हारे तो इतने चेले हैं, उनसे एकादशी करवा लो, मुझसे मुझे बख्श दो, प्रभु मैं एकादशी नहीं रख पाऊंगा, अगर मैंने एकादशी रख ली तो द्वादशी तो देख ही नहीं पाऊंगा, आज ही राम नाम सत्य हो जाएगा। महात्मा जी समझ गए बोला राम नहीं मानने वाला, बोले, ठीक है लेकिन मंदिर में तो कुछ बनेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, मैं ऐसा करता हूँ तुम्हें राशन दे देता हूँ, थोड़ा सामान दे देता हूँ, तुम कहीं दूर नदी के किनारे जाकर खाना बना लेना और कर लेना, और हाँ किसी से कहना मत वरना सब लोग तुम पर हंसेंगे। बोला राम बोला, ठीक है महाराज किसी से नहीं कहूँगा, पर जल्दी से सामान दे दो, भूख बढ़ती जा रही है। महाराज जी ने उसे आटा नमक घी आलू इस तरह का सब खाने का सामान दिया और बोले, बोला राम एकादशी तो नहीं कर रहे हो, लेकिन राम जी को भोग लगाने के बाद ही खाना। बोला राम बोला,
महाराज, जो सामान आपने दिया है इतने में हम दोनों का पेट भर जाएगा। महात्मा जी भोला राम के भोलेपन पर हंसे और सोचने लगे, बहुत ही भोला है, इतना भी नहीं जानता कि भगवान कुछ खाते थोड़े ही हैं, उन्हें तो बस भोग लगाया जाता है, सारा प्रसाद तो हम ही खाते हैं। कहने लगे, हाँ हाँ सब हो जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत प्रसाद बचेगा। अब भोला राम फटाफट सारा सामान लेकर नदी किनारे पहुंच गया और जो कुछ भी कच्चा पक्का रूखा सूखा वो बना सकता था उसने बनाया, ताली लगाई और बैठ गया राम जी को बुलाने। हाथ जोड़कर बुलाने लगा, राम जी आओ जी, भोग लगाओ जी। एक बार कहा, दो बार कहा, बार बार कहा। अब भोला राम क्या जाने कि भगवान सामने थोड़ी आते हैं, वो सोचने लगा, भगवान ठहरे 56 भोग खाने वाले, मेरी रूखी सूखी रोटी देखकर नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर जोर से बोला, समझ गया राम जी, रूखी सूखी रोटी देखकर नहीं आ रहे हो, सोच रहे होंगे कि मंदिर जाऊंगा, पूरी हलवा पकवान खाने को मिलेंगे, धोखे में रह जाओगे प्रभु, मंदिर में तो आज एकादशी है, वहां से तो मैं ही भाग कर आया हूँ जान बचाकर, तुम्हें भी वहां एकादशी ही करवाएंगे, खाना है तो आ जाओ, नहीं तो मैं ही खा लेता हूँ। अनजाना भक्त बेचारा इतने प्रेम से बुला रहा था तो भगवान कैसे नहीं आते, तो राम जी आ गए और आकर भोला राम से बोले, भोला राम तुमने एकादशी नहीं की। भोला राम बोला, बस भगवान बातें बाद में करना, पहले ही इतनी देर लगा दी आने में, पहले भोजन कर लो। भक्त के भोलेपन पर तो राम जी रीझ गए और भोजन करने बैठ गए, लेकिन ये क्या, एक एक करके सारी रोटी भगवान ने खत्म कर दी, सारा खाना चट कर दिया। भोला राम ने बीच में टोकना चाहा, लेकिन सोचा राम जी को सुबह से भोग नहीं लगाया, भूख लगी होगी, वैसे भी खाना खाते खाते को बीच में नहीं टोकना चाहिए, ये सोचकर बेचारा चुप रह गया। भगवान ने भोजन करके अंतर्ध्यान हो गए और भोला राम बेचारा पानी पीकर मंदिर लौट आया। महात्मा जी ने पूछा, खाना खा लिया भोला राम? भोला राम ने सोचा सारी बात बता दूं, लेकिन फिर सोचा भगवान को बुरा लगेगा, भूख में थोड़ा ज्यादा खा लिया तो भोला राम ने सब में हंसी करवा दी, इसलिए चुप रह गया। अगले कुछ दिन सब ठीक ठाक चलता रहा और फिर अगली एकादशी आ गई। अब की बार भोला राम ने महात्मा जी से कहा, महाराज राशन थोड़ा ज्यादा देना, पिछली बार कम पड़ गया था, राम जी को भूख ज्यादा लगी थी। महात्मा जी ने सोचा, राम जी का नाम लेकर खुद के लिए मांग रहा है, खैर कोई बात नहीं, ज्यादा राशन दे दिया। भोला राम फिर नदी किनारे गया और भोजन बनाकर राम जी को बुलाने लगा, राम जी आओ जी, भोग लगाओ जी। अब की बार राम जी जल्दी आ गए, लेकिन ये क्या, जानकी जी को भी संग में ले आए। बोला राम, बोला राम जी आपने तो पिछली बार अकेले आए थे, अब की बार दो आए हो। राम जी बोले, तो क्या हुआ, कोई समस्या है बोला राम? बोला राम ने सोचा, अब क्या कहूँ भगवान से, बोला कुछ नहीं, समस्या तो कोई नहीं है, आओ विराजो, और दोनों को सीताराम जी को भोजन कराने लगा। भूख से भोला राम की जान निकल रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सा सुख और अजीब सा सुकून हो रहा था, सो भोला राम ने ये एकादशी भी केवल पानी पीकर गुजार दी। अनजाने में ही भोला राम का दो एकादशियों का उपवास हो गया था। आई अगली एकादशी, महात्मा जी से भोला राम बोले, महाराज थोड़ा और सामान बढ़वाओ। महाराज जी चौंके, महात्मा जी चौंके, लेकिन कुछ बोले नहीं और राशन बढ़ाकर दे दिया। भोला राम ने सोचा, अब की तो खाना जरूर मिलेगा, खुशी खुशी भोजन बनाया और फिर राम जी को पुकार लगाई। राम जी तो तैयार ही बैठे थे, एकदम से आ गए, लेकिन ये क्या, अब की बार दो की बजाय तीन लोग आ गए। भोला राम बोला, ये क्या प्रभु, अब की बार दो की बजाय तीन लोग आ गए, अब ये तीसरे कौन है? राम जी बोले, भोला राम ये हमारे भाई हैं लक्ष्मण। भोला राम बोला, ठीक है भाई है, लेकिन बता तो सकते थे कि दो की बजाय तीन लोग आएंगे, मैं ज्यादा सामान लेके आता, ज्यादा इंतजाम कर लेता। राम जी बोले, क्या करें? भोला राम, मंदिर का रोज रोज का जो पक्का खाना होता है खा खा कर मन ऊब जाता है, और तुम इतने प्रेम से इतना स्वाद खाना बनाते हो कि इस बार लक्ष्मण जी भी आने की जिद करने लगे, मैं मना नहीं कर पाया, तुम बताओ तुम्हें कोई समस्या तो नहीं? भोला राम ने कहा, नहीं भगवान समस्या क्या होती, आओ विराजो, और सबको प्रेम से भोजन कराने लगा। जब भोजन हो गया तो भोला राम ने राम जी से विनती की, राम जी अब कृपा करो,
अगली एकादशी कितने जन आएंगे पहले ही बता दो। राम जी बोले, भोला राम मुझे क्या पता कि कौन कौन साथ चल पड़ेगा, अभी नहीं बता सकता। खैर कोई बात नहीं, आई अगली एकादशी। महात्मा जी ने भोला राम से सामान लेने को कहा तो भोला राम बोला, महाराज आज तो मैं 5 जन का सामान लेकर जाऊंगा। महाराज जी चौके, बोले 5 जन का? भोला राम बोला, हाँ महाराज 5 जनों का। राम जी सपरिवार आते हैं। महात्मा जी को भोला राम की बात खटक गई, सोचने लगे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भोला राम सामान को बेचता है। अब बेचारे महात्मा जी क्या जाने भक्त की भक्ति और भगवान की लीला को। उन्होंने भोला राम को 6 लोगों का सामान दिया और बोले, लो भोला राम 6 जनों का सामान देता हूँ। भोला राम सारा सामान लेकर चल दिया और पीछे पीछे चोरी चोरी महात्मा जी भी चल दिए कि आज इसे रंगे हाथ पकड़ूंगा और देखूंगा कि ये सामान का करता क्या है। इधर भोला राम अलग ही खिचड़ी अपने दिमाग में पका रहा था। सोचता जा रहा था कि आज पहले भगवान को बुलाऊंगा, देखूंगा कितने लोग आते हैं और उसके बाद ही खाना बनाऊंगा। सारा सामान ले जाकर नदी किनारे बैठ गया और लगा राम जी को बुलाने। राम जी भी भक्त से मिलने को बिल्कुल तैयार ही बैठे थे, तुरंत ही सपरिवार पधार गए। राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, भोला राम तो उछलने लगा, जय हो प्रभु जय हो। एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं, आज तो पूरी बारात ही ले आए। लेकिन प्रभु आज मैंने खाना नहीं बनाया। राम जी बोले, खाना नहीं बनाया तो हम खाएंगे क्या? भोला राम बोला, जब मुझे मिलना ही नहीं है, जब मुझे खाना खाना ही नहीं है तो मैं बनाऊं क्यों? अब आप ही बनाओ और आप ही खाओ। अब तो भगवान जी फंस गए, भोजन पाने आए हैं, भोजन पाए बिना जाएं कैसे? अगर भोजन पाए बिना गए तो भक्त की इज्जत खराब होगी। सबसे बोले, ठीक है भाई चलो सब शुरू हो जाओ, लग जाओ काम पर। और सब जुट गए खाना बनाने में। भरत जी सब्जियां काटने लगे, शत्रुघ्न जी पानी भरने लगे, हनुमान जी चूल्हा जलाने लगे, सीता जी रसोई बनाने लगी। सब अपने अपने काम पर लग गए। सब हंसे जा रहे हैं और खाना बनाते जा रहे हैं कि अच्छा वक्त मिला है कि भगवान से ही खाना बनवा रहा है। अब सीता जी रसोई बना रही है तो ये देखकर सारे देवी देवता भी प्रसाद पाने को आ गए। भोला राम तो ये देखकर माथा पीटने लगा और बोला, लो भाई जो कुछ थोड़ा बहुत खाना मिलने की उम्मीद थी अब कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। इधर बेचारे महात्मा जी पेड़ के पीछे खड़े सारा नजारा देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि महात्मा जी को ना तो राम जी दिखाई दे रहे ना सीता जी दिखाई दे रही, केवल कड़छी भिगोने हिलते डुलते दिखाई दे रहे। ऐसा लग रहा मानो कोई भूतिया लीला चल रही है। पेड़ के पीछे से निकलकर भोला राम जी के पास पहुंचे और बोले, भोला राम यहाँ क्या हो रहा है? भोला राम बोला, देख नहीं रहे हो महाराज जी, भोजन पक रहा है। महात्मा जी बोले, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि भोजन पक रहा है, लेकिन पका कौन रहा है भोला राम? भोला राम ने कहा, महाराज जी अब आप दिमाग की दही मत करो, एक तो वैसे ही भूख से जान निकली जा रही है, चौथी एकादशी है कि अन्न का दाना नहीं मिलेगा, ऊपर से आप भी मजाक किए जा रहे हो कि आपको दिख नहीं रहा कौन भोजन बना रहा है। आप देख नहीं रहे राम जी सपरिवार आए हुए हैं और भोजन बना रहे हैं? महात्मा जी बोले, सच कह रहे हो भोला राम, राम जी सपरिवार भोजन बना रहे हैं, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। भोला राम ने कहा, महाराज ध्यान से देखो, वो देखो सीता भैया खाना बना रही हैं। महाराज जी बोले, सच में मुझे नहीं दिख रहा। अब भोला राम भागा भागा गया राम जी के पास, बोला, भगवान ये क्या है, एक तो आपकी वजह से मैं भूखा रह जाता हूँ, ऊपर से आप महाराज जी को दिखाई भी नहीं दे रहे हो, वो मुझे परेशान कर रहे हैं। राम जी ने कहा, हम किसी को नहीं दिखते। भोला राम ने कहा, मुझे तो दिख रहे हो, फिर मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? तो कहने लगे, बस तुम्हें दिख रहे हैं, उन्हें नहीं दिखेंगे। भोले राम के तो कुछ समझ में नहीं आया। बोला, क्यों महाराज ऐसा क्यों? वो मेरे जो गुरुजी हैं वो तो बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, बहुत भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें क्यों नहीं दिखोगे? बोले, हाँ इसीलिए तो नहीं दिखेंगे क्योंकि वो बहुत ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, पर वो तुम्हारे जैसे नहीं हैं। बोले, मेरे जैसे नहीं हैं क्या मतलब? राम जी बोले, तुम्हारे जैसे नहीं हैं, सीधे सच्चे सरल बिना छल कपट वाले ऐसे नहीं हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञान
वो सब कुछ ज्ञान से देखते हैं, इसलिए उन्हें हम नहीं दिखेंगे। बोला राम की समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है महाराज, मैं तो जाकर अपने महात्मा जी से कह देता हूँ कि आपको नहीं दिखेंगे। भागा भागा गया महात्मा जी के पास, बोला, महात्मा जी, राम जी ने कहा है कि तुम्हें दिखेंगे, महात्मा जी को नहीं दिखेंगे। बोले, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे जैसे नहीं हैं, सीधे सच्चे सरल प्रेम वाले, इसीलिए नहीं दिखेंगे। अब तो महात्मा जी भोला राम के चरणों में गिर गए और बोले, भोला राम, तुम मुझे अपना गुरु कहते हो, लेकिन असल मायने में आज तुम मेरे गुरु बन गए हो। मैं तो अपने ज्ञान का, अपनी भक्ति का ढिंढोरा पीटता रह गया, लेकिन आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तुम केवल अपने प्रेम और अपनी भोलेपन, अपनी सरलता के कारण भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हो।